दोपहर को लंच वगैरह करने के बाद जो है तो हम लोग मार्केट गए थे, क्योंकि 2:30 का टाइम हो गया होगा इस तरह से। और बस यहाँ पर मौसम भी अच्छा था, मतलब हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ हो रही हो। और सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी पे ही गए, तो वहाँ पर एक तो शॉप देखी, लेकिन वहाँ पर बुक्स जो है नहीं मिली, नहीं है। क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बुक्स नहीं मिल पा रही है, तो इधर पर नहीं मिली थी। और इसके बाद इन्होंने ही बताया कि किस शॉप पे मिलेगी, तो फिर हम लोग आगे गए तो दूसरी शॉप पे देखा। थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ा, बारिश वगैरह हो रही थी, अच्छा लग रहा था, हल्की फुल्की बारिश थी। और बस इधर पर ये दूसरी शॉप पे बुक्स जो है तो काफ़ी मिल गई थी, एक दो बार रह गई थी, तो वो 1-2 दिन के बाद मिलने को कहा था। और इसके सामने ही जो था तो एक दूसरी शॉप थी जहाँ से मैंने प्लाजो वगैरह अपना लिया है। और फिर बस हम लोग इधर से निकल आए थे अपने घर की तरफ। ये तालाब जो है तो काफ़ी अच्छा है और बारिश जो है तो बहुत हल्की हल्की हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोपहर को जो है तो लंच में सिर्फ सिंपल सा हम लोग ने दाल चावल रोटी सब्जी जो है तो वो बनाई थी, और लौकी की सब्जी थी आज। और ये इधर पर जो है तो सब्जी बाज़ार लगता है, पहले इधर पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन जब से ये कोरोना वगैरह का हुआ है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम भीड़ भाड़ है, नहीं तो इधर से निकलना जो है तो मुश्किल हो जाता था। आपका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल मॉम लाइफ स्टाइल में। और बस अभी शाम का 6:30-7 का टाइम हो रहा है, और जा रहे थे अपने डिनर की तैयारी करने के लिए कि थोड़ा डिनर बनाना शुरू करें, और सोचा कि पहले आपसे बात कर लें। अभी चाय वगैरह जो है तो हम लोगों की हो चुकी है, और जो सुबह अभी अब हमने आपको पहले दिखाया तो कल हम मार्केट गए थे, क्योंकि मेरे बेटे की जो बुक्स वगैरह हैं तो वो नहीं मिल पा रही थी। अभी 10-15 दिन से काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी बुक्स नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण काफ़ी उसको प्रॉब्लम हो रही थी स्टडी वगैरह में। तो गए थे बुक्स लेने, लेकिन उसके बाद भी जो था तो करीब 3-4 शॉप हम लोगों ने देखी, लेकिन बुक्स नहीं मिली है। फिर फाइनली एक शॉप पर मिली, लेकिन उसमें भी 1-2 बुक्स जो हैं तो अभी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, 1-2 दिन में मिल जाएगी उन्होंने कहा है। तो बस बुक्स ली थी, और ऐसा कुछ नहीं था, मेन बुक्स ही लेना थी उसकी, लेकिन स्टेशनरी के सामने ही हमको कपड़े की भी दुकान दिख गई, तो सोचा कि कुछ मैचिंग का हमको एक प्लाजो लेना था, लेगिंग्स लेनी थी, तो वो भी हमने ली है। और बिना मैचिंग के गए थे, कुर्ता जो था तो हमारी मस्टर्ड कलर का था, हमने बस आइडिया से लिया, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वही कलर हमको मिला जो मेरी कुर्ती का था, और हमको वैसा ही चाहिए भी था। तो बस और दोपहर को हम लोग लंच वंच करने के बाद बाजार गए थे, और बस आज सोचा कि चलिए आपको थोड़ा सा दिखा दे कि हम किस जगह पर रहते हैं और हमारी सिटी जो है तो वो कैसी है। तो इस तरह से रोज आपको कुछ ना कुछ अपना हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह से। तो आज आप मेरी सिटी देख लीजिए, और ये देखिए आप साथ में, ये बगल में जो है तो आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट रखा है और एक और प्लांट रखा है। मनी प्लांट पानी में रखा है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मेरी हर जगह पर आपको जो ग्रीनरी है तो वो जरूर देखने को मिलेगी। तो बस चलिए आज अब आपको ये दिखा दे कि कल जो हम प्लाजो लेगिंग्स लेके आए हैं तो वो किस तरह की है, तो वो दिखा देते हैं। और साथ में कुछ पूजा वगैरह का सामान भी लेना था, तो वो भी हमने लिया है। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से मैं प्लाजो और जो एक लेगिंग्स है तो वो लेके आए हैं। ये देखिए, ये लाए थे हम प्लाजो अपने लिए, ये इस तरह से कपड़ा काफ़ी अच्छा है इसका, और नीचे का जो इसका ये है तो इसका ये साइज़ जो है तो वो ये है, और लास्टिक है, काफ़ी कंफर्टेबल है पहन के, हमने देखा था। और सेम इसी कलर की हमारी कुर्ती है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, और काफ़ी दिन से रखी थी कि उसका प्लाजो लेना है, लेकिन कल ले पाए हैं इसको। और ये हमको मिला था 300 का, कपड़ा काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये लाए थे एक वाइट लेगिंग्स, एक रानी कलर की कुर्ती है, वो भी हमने फ्लिपकार्ट से ही मंगाई थी, तो उसके लिए वाइट कलर की लेगिंग्स लेना थी, तो ये कुछ ये है, और इसका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा है। और ये हमको मिली है 250 की, हाँ ये 250 की हमको मिली है। तो इस तरह से बस ये 2 चीज़ ली थी हमने, और साथ में देखिए ये एक हमने कड़े लिए हैं। कड़े आप पास से देखिएगा कि इस पे बना क्या है, पूरा डोली वगैरह बनी है, ये देखिए आप पूरी
दिख रहा होगा, ये देखिए पूरी डोली बनी है, शहनाई वगैरह, तो ये हमको काफ़ी अच्छे लगे थे और ये काफ़ी कलर में थे, और लेकिन अभी एक ही हमने लिया और ये हमको पड़ा है 50 रुपीज़ का था, 60 का बोल रहा था लेकिन ये हमको 50 में दिया है। तो इस तरह से बस कल इतनी शॉपिंग की थी। हाँ, और फिर लौटते समय एक दिन जो है तो इधर पर सब्जी का बाजार भी लगता है, तो उधर ही से हम लोग सब्जी वगैरह भी लेके आए थे, और उधर पर फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं, बिल्कुल ताज़ी सब्जी मिलती हैं क्योंकि गांव से लेके आते हैं वो, तो सब्जी वगैरह भी ली थी। तो आगे दिखाते हैं कि कितनी फ्रेश और ताज़ी सब्जियाँ जो हैं तो वो हमको मिल गई थी, और बस वॉश वगैरह करके हमने उसको रख दिया था। तो चलिए वो भी देख लीजिए, और यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए देखते हैं आगे भी कुछ, देखते हैं कि सब्जी वगैरह हम किस तरह से कल लेके आए थे। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश सब्जियां जो हैं तो वो मिल गई थी, और इनको तुरंत वॉश वगैरह कर दिया था, अच्छे से वॉश कर देते हैं। फिर ये तो जो प्याज है तो ये पहले की रखी थी, और बस यहाँ पर वॉश करके और इस तरह से अच्छे से फैला देते हैं, जिससे कि रात में अच्छे से ये सूख गई थी, क्योंकि थोड़ा भी यदि पानी वगैरह रह जाता है फ्रिज में रख देते हैं तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है सब्ज़ी। और इस तरह से जो है तो कॉटन के बैग में इनको भर के मैं अलग अलग रख देती हूँ, जिसमें कि निकालने में आसानी रहती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि भिंडी और सब मिक्स हो जाता है तो दो चार भिंडी छूट जाती है, या फिर उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरह से बैग में कर करके, कॉटन के बैग में अलग भर के हम रख देते हैं, और जब इनको निकालना होता है तो एक बैग निकाल के और बस अपना काम कर लेते हैं। तो जिसमें कि अच्छा लगता है कि तुरंत के तुरंत ढूंढना नहीं पड़ता है, और पूरी जितना भी सब्जी रहती है पूरी एक बार में मिल जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने सब्जियां कितनी फ्रेश और अच्छी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले